तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर टाटा ने अपनी पंच एसयूवी, जिसको कि काफी समय से टाटा की एचपीएक्स और हॉर्निबल के नाम से जाना जा रहा था, उसे अनवील कर दिया है। अभी दोस्तों इस गाड़ी को पूरी तरह से अनवील नहीं किया है टाटा ने, सिर्फ इस गाड़ी के नाम को अनवील किया है और उसी के साथ में इस गाड़ी को जो डिजाइन है उसको भी अनवील कर दिया है कि मतलब कि ये गाड़ी दिखने में ऑफिशियली कैसी होगी। तो उसी के आधार पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एसयूवी के बारे में और सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों टाटा की जो SUV आने वाली है, पंच SUV को टाटा के अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है, जिस पर की टाटा की अल्ट्रोस ऑलरेडी आती है और टाटा की अल्ट्रोस ने दोस्तों यहाँ पर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी हासिल की है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाटा की आने वाली पंच SUV के अंदर भी आपको काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलेगी। और जो इस गाड़ी का डिजाइन है दोस्तों वो टाटा के ही इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि दोस्तों इस गाड़ी का डिजाइन है वो काफी शार्प रहने वाला है, काफी अच्छी मस्कुलर लुकिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हालांकि डिजाइन के बारे में दोस्तों आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर टाटा की पंच SUV जो की एक माइक्रो SUV है, इसको फाइनली प्रोडक्शन वर्जन के अंदर देख रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल से दोस्तों इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा शानदार यहाँ पर बनाया गया है। स्प्लिट हेडलैम्प यहाँ पर आपको फ्रंट प्रोफाइल में दिए गए हैं, ऊपर यहाँ पर आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी जाएंगी, नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको मेन हेडलैम्प दिए जाएंगे, नीचे जो बम्पर दिया गया है वहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी दिए गए हैं। और जो फ्रंट ग्रिल है दोस्तों वो तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलेगी, जिस तरह की टाटा के नेक्सन में देखने को मिलती है, जो की देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पर आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। एलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर बनाया गया है। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पर डुअल टोन कलर में दिखाई दे रही है। साइड प्रोफाइल में दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो फ्रंट डोर है उसका यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है, रियर डोर का हैंडल दोस्तों यहाँ पर आपको जिस तरह की मारुति की स्विफ्ट में दिया जाता है उसी तरह का डोर हैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियर डोर का। तो यहाँ पर दोस्तों इस SUV का जो डिजाइन है वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। काफी समय से दोस्तों इस गाड़ी का जो नामकरण है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, जो फाइनली नामकरण हो गया है। आप लोगों को दोस्तों इस गाड़ी का डिजाइन कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टाटा की पंच दोस्तों दिखने में काफी कॉम्पैक्ट रहेगी, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो काफी मस्कुलर रहने वाला है। बात करें इसमें मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा। यह इंजन दोस्तों आपको ऑलरेडी टाटा की टियागो, टाटा की टिगोर और टाटा की अल्ट्रोस में देखने को मिलता है। इस गाड़ी की लॉन्च डेट को लेकर दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आई है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इस गाड़ी को फेस्टिवल सीजन मतलब कि आने वाली दिवाली या उससे पहले लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। और इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है वो 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक इंडियन मार्केट में रहेगी। और ये गाड़ी कंपटीशन करने वाली है मारुति की इग्निस, रेनॉल्ट की काइगर, निसान की मैग्नाइट और हुंडई की आने वाली कैस्पर SUV के साथ में। टाटा के इस SUV का दोस्तों काफी समय से इंडियन मार्केट में इंतजार किया जा रहा है, तो फाइनली अब लग रहा है कि जल्दी ही इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।